अच्छा, भारत पाकिस्तान क्रिकेट तो बहुत बड़ी क्रिकेट हुआ करती थी, कहाँ कहाँ नहीं हुई। अब हम स्विट्जरलैंड में हैं और यकीन मानिए कि आइस क्रिकेट है, इसमें भारत पाकिस्तान का तड़का है। मेरे साथ वसीम भाई हैं और वसीम भाई मेंटोर हैं, कमेंट्री भी करेंगे आइस क्रिकेट में। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक टीम के कप्तान हैं वीरेंद्र सहवाग, उसमें कई भारतीय खिलाड़ी हैं, और दूसरी टीम के कप्तान हैं शाहिद अफरीदी, जिसमें शोएब अख्तर भी हैं। तो ये वसीम भाई, कहो ना कहो, लेकिन ये एक इंडिया पाकिस्तान तो कम से कम मिला हम जो देख रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक, और ये समथिंग इज वेरी डिफरेंट। बर्फ फ्रोजन लेक पे खेल रहे हैं ये। आज हम प्रैक्टिस पे गए थे, सो बड़ा अजीब सा लगा सबको, मगर गेंद ट्रैवल भी कर रहा था। उन्होंने पिच पे बड़ी मेहनत की है, वुडन प्लैक्स लगाए हैं लेवल करके, उसके ऊपर ऑस्ट्रो ट्रफ लगाई है, और यू नो, काफ़ी एक्साइटेड नज़र आए वीरू, काफ़ी जैक, सब ने बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। यू नो, इट्स अ बिग डील, आई रेकन सम इट्स हिस्ट्री इन मेकिंग मेरे ख्याल में, बिकॉज ऐसा कभी इवेंट क्रिकेट की दुनिया में कभी हुआ नहीं है। इस वक्त आपने भी ग्लव्स नहीं पहने हुए, मैंने भी नहीं पहने, लेकिन बाहर -8, -12, -14, मतलब टेम्परेचर सुन के वसीम भाई डर लगता है। आई नो, जब मैं कल रात आया हूँ तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या करूँ। फिर मैंने सुबह जाके जूते लिए, फिर जैकेट ली है, फिर थर्मल्स लिए हैं, ग्लव्स लिए हैं, चार दिन के लिए हैं, मगर उसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। यही तो मजा आएगा कल, इसलिए कमेंट्री बैग से मैं तो हंसते ही रहूँगा इन पे। आपका दिल भी तो करेगा थोड़ी सी मैं बॉल डाल दूँ। मेरी जान, अब 52 साल की उम्र में दिल नहीं करता। माशाल्लाह, लेकिन 52 के आप लगते भी नहीं है। या आई विल बी 52 इन जून, बट आई थिंक मैं अपनी फिटनेस का बड़ा ध्यान रखता हूँ और खाना बड़ा देख के खाता हूँ, बिकॉज इन लड़कों के साथ आई हैव टू लुक द पार्ट यार। सही बात है। मिस करते हैं आप इंडिया को, क्योंकि हम तो बड़ा मिस करते हैं आपको। जैसे आज तक पूरी हम कितना मिस करते हैं, कितना मजा किया हम लोग बहुत। यू नो, जब से मैं रिटायर हुआ था 2003-2004 के बाद, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंडियन क्रिकेट विद ESPN स्टार, देन स्टार, 13-14 साल, 6-7 महीने इंडिया रहना, फिर KKR, फिर आप आज तक के साथ। मेरे दोस्त वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं हर शहर में, मैं वो मिस करता हूँ, मैं वहाँ के डिफरेंट सिटीज़ के खाने मिस करता हूँ। यू नो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया दूसरा साल है, आई मिस दिस, बिकॉज इंडिया में जाना, वहाँ रहना, दोस्तों को मिलना एवरी डे, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा थे। जब आपकी ज़िंदगी के हिसाब के साथ ना रहे तो आपको दुख और अफसोस तो होता है। इस कमरे में जैसे ही मैं घुसा ना, सबसे पहले मुझे वसीम भाई नज़र आए, और जिस प्यार से इन्होंने मुझे गले लगाया, मतलब अब क्या बोलें, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि क्रिकेट ने तो सफ़र किया है अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं होता। हम सिर्फ ICC इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान को देखते हैं साल में एक बार। बिल्कुल, अब देखिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जी आप अपनी गवर्नमेंट को ये कहें, यार मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम क्या कह सकते हैं, हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम तो प्यार फैलाने वाले हैं। सही बात। जब हम आप जाते हैं, हमने मैंने इंडियन लड़कों कितनों को बॉलिंग सिखाई है, आप पूछ लें जाके, अभी जयदेव को देख लें, अभी कितने वो IPL में गया है, अभी आप शामी को देख लें, अभी आप ईशांत ने मेरे साथ काम किया है, उमेश यादव ने मेरे साथ काम किया है, जैक यूज टू स्पीक टू मी अलॉट, और कोई भी यंग लड़का आता था, मेरे लिए इंडियन पाकिस्तानी कोई फर्क नहीं पड़ता, यंग लड़का मेरे लिए यंग लड़का है, जो क्रिकेटर मेरे लिए सिर्फ वो क्रिकेटर है। सो यू नो, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, बट होपफुली अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाए और आम बंदे को समझ आ जाए कि हम जो स्पोर्ट्समैन या यू एक्टर्स दोनों साइड से हैं, हमारी एक अपनी जॉब है, हम वही जॉब कर सकते हैं, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते पॉलिटिक्स में, बोलना चाहिए भी नहीं, वाजिब भी नहीं है, क्योंकि जिसका जो काम है वो तो वही करेगा। अच्छा, आपने वसीम भाई भी इंडियन फास्ट बॉलर्स की बात की, आप फॉलो कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को? बिल्कुल बिल्कुल, 14 साल काम किया है, फर्स्ट क्लास देखी, पता है सारे क्रिकेटर, बच्चे हमारे सामने बड़े हुए, और बड़ी खुशी होती है देख के कि यू नो, जनरली एज अ क्रिकेट लवर, कि इंडियन क्रिकेट इज़ ऑन द राइज, बिकॉज सब अंडर 19 देख लें जिस तरीके से इंडिया ने खेला, मेरे ख्याल में कि इंडियन क्रिकेट में, जस्ट टीम में नहीं, इंडिया की पूरी क्रिकेट में, आप ले लें इंडियन टीम ले लें, IPL ले लें, अंडर 19 ले लें, फर्स्ट क्लास ले लें, सेल्फ बिलीफ आ चुका हुआ है, और वो आया है जो आपको फतुहात मिली है ओवर द ईयर्स, और जिस तरीके से BCCI ने इन्वेस्ट किया है, IPL के पैसों ने इन्वेस्ट किया है, और उसका फल आप इंडियन क्रिकेट लवर्स को मिल रहा है। बड़ा आपको भी अच्छा लगता होगा और हैरानी भी होती होगी कि फास्ट बॉलर्स इंडिया के वो इंडिया में भी जिता रहे हैं, बाहर जाके भी जिता रहे। बिल्कुल, रिवर्स स्विंग कर रहे हैं इंडिया में, पुराने गेंद से वहाँ जाके हरी विकटों पे दोनों स्विंग कर रहे हैं और उनको बैकफुट पे किया हुआ है। नो, इट्स अ गुड साइन, इट्स गुड टू सी, ये बड़ा ज़रूरी था इंडियन क्रिकेट का ऐसे हाइप पे आना, ताकि पूरी दुनिया की क्रिकेट अब पता लग गया कि एक फोर्स टू रैकन विद।
बुमराह, भुवनेश्वर, अब देखिए उमेश यादव बाहर बैठे हुए हैं बल्कि। बिल्कुल, उसको जगह नहीं मिली वनडे, हालांकि वो खेल रहा है। बुमराह एज अ T20 स्पेशलिस्ट आया था, अब वो टेस्ट मैच खेल रहा है। अब उसको चाहिए, बुमराह को चाहिए कि जब द वाइड ऑफ द क्रीज करते हैं बॉलिंग, वहाँ से सिर्फ कोशिश करें गेंद सीधा रहे, बाहर निकलता नहीं, निकलना मुश्किल है, सिर्फ सीधा रहेगा जितनी देर वो कोशिश कर, एवेंचुअली वो रिस्ट का पोजीशन यूज करेगा, सीधा भी रहेगा, अपने कोच से बात करे, वो विकेट टेकिंग बॉल होगा, बिकॉज सारे उसको अंदर खेलेंगे और बॉल सीधा रहेगा, वो एज लगा के स्लिप में या विकेट कीपर के पास जाएगा। मुझे पता है, ये मैं बार बार क्या पूछूं आपको, विराट कोहली की बड़ी तारीफ, तो आप जब हिंदुस्तान में थे वो वर्ल्ड T20 चल रहा था आज तक, पर हर मैच दर मैच हम नई चीज़ देखते थे, ये दौरा विराट कोहली को और निखारता जा रहा है। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज हारने के बावजूद 2-1 हारे, क्या क्या मैच जीते हैं तीसरा, यू नो, जैसी भी विकेट थी एंड ऑफ द डे, जब आप रिकॉर्ड देखोगे या स्टैट्स देखोगे, उस विकेट का कोई नहीं पता, विकेट दोनों टीमों के लिए थी, एक के लिए नहीं थी। सो इंडिया वहाँ उसके बाद से फिर कॉन्फिडेंस आया, वन डेज में आराम से जीत रहे हैं, जब 300 करे 300 कर जाते हैं, और कप्तान क्या जबरदस्त बैटिंग, 100 पे 100 और वो भी चेज में मैन, या सो यू नो इज अ ट्रीट टू वॉच। तीसरे मैच में उन्होंने पहले बैटिंग करके 160 बना दी, ट्रीट टू वॉच, और आई थिंक इंडिया के अलावा पूरी दुनिया एक क्रिकेट के जो यंगस्टर हैं वो एक ही बंदे का नाम जानते हैं, हालांकि 3-4 टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया में, वो सिर्फ है विराट कोहली। और ये पाकिस्तान से भी मैं कई बार देखता हूँ, आप लोगों के मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ, शोज जो आप पाकिस्तान पे करते हैं, बड़ी तारीफ जमकर होती है, पता नहीं क्या है, भारत पाकिस्तान में तनाव इतना ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ विराट कोहली को लेकर बड़ी तारीफ आती है वहाँ से, बिकॉज ही इज़ अ लीडर, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, सही टाइम पे उसको कप्तानी मिली, सही टाइम पे उसको बैटिंग करने का आइडिया हुआ, फिटनेस उसकी देखे, उसकी फील्डिंग देखे, बदल दिया सब कुछ, ही इज़ अ कंप्लीट स्पोर्ट्समैन ऑन एंड ऑफ द फील्ड। सचिन गया, धोनी स्टिल अराउंड, बट अब आई थिंक इसकी बारी है, और कप्तानी में निखार आएगा, क्योंकि आपने इतने साल कप्तानी की है, पहले आप इमरान खान के अंडर खेले, फिर वसीम भाई आप इतने बड़े कप्तान थे, ये लीडरशिप जो है आप गलतियों से सीखते हैं। क्रिकेट में बॉर्न लीडर कोई नहीं होता, क्रिकेट में बॉर्न डिसीजन मेकर हो सकता है वो, बिकॉज उसमें बड़ी चीज़ें करनी होती है, वो करने से आती है, जितनी कप्तानी आप करते जाते हैं, आपको इन्स एंड आउट्स, प्रेस को हैंडल करना, इंडिविजुअल प्लेयर का माइंडसेट देखना, और आई थिंक प्लस इनके साथ ये भी है कि उनके साथ कोच भी सेम माइंडसेट का है, रवि जो अच्छे दोस्त भी बहुत ज़बरदस्त, शायद से भी मिले, अरसा हो गया, फ़ोन पर बात होती रहती है, बट आई थिंक उसका माइंडसेट है कि जहाँ रिलैक्स करना है रिलैक्स करो, और जहाँ उसने पुश करना है वो पुश भी करता है, बट अगेन सिमिलर माइंडसेट एज कैप्टन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैप्टन एंड कोच। अगर आप कोई एक टिप विराट कोहली को इस वक्त देना चाहें एज कप्तान अपने तजुर्बे से, वो क्या हो? विराट कोहली को मैं क्या टिप दूंगा, उसको तो मुझे टिप देनी चाहिए, आई थिंक इज डूइंग ग्रेट जॉब, ही डजंट नीड टिप, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, एंड आई एम श्योर द वे ही इज गोइंग, ही प्रोबब्ली बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। मैं ये चाहता हूँ वसीम भाई, एक आपका वादा था, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे बुलाएंगे पाकिस्तान जी, और दूसरा ये कि आप जल्दी से हिंदुस्तान आइए, आपका बड़ा इंतजार है। आई वुड लव टू कम टू इंडिया, आई होप कि कोई ऐसा मौका मिले मैं जल्दी आऊँ, मैं वहाँ वाकई मिस कर रहा हूँ अपने दोस्तों को, वहाँ की यू नो खुशबुओं को, एवरीथिंग, लेट्स होप कि जल्दी से हालात बेहतर हो, मैं आ सकूँ। यहाँ पे मैं ठंडे ठंड के लिए गर्म गर्म कल के लिए कपड़े ले लेता हूँ, जब से पहले ले ले, कुल्फी जम जाएगी, नहीं कुल्फी जमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल के साथ विक्रांत गुप्ता, सेंट मॉरिट्स।